नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ अधिकारी शहीद। ट्रंप ने एर्दोगन से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। जेएनयू मामले में 19 जनवरी को आरोप पत्र पर विचार करेगी अदालत। केजरीवाल की बेटी के अपहरण की धमकी देने वाला गिरफ्तार। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में रिलीज की मंजूरी। मोदी ने लिया कॉटलर पुरस्कार, राहुल ने मजाक उड़ाया। टल सकती है सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई। शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 465 अंक ऊपर। नवाजुद्दीन का पर्यावरणीय कार्यक्रम को समर्थन। बंगाल में मकर संक्रांति पर गंगा सागर में 30 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। नागरिकता विधेयक पर मोदी और राजनाथ से मिलेंगे मेघालय के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र नर्मदा में नौका पलटी, 5 लोगों की मौत। कर्नाटक में 2 निर्दलीय विधेयकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया। खड़गे ने सीबीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की।